नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नया नॉवल लेकर आया हूँ। नॉवल का नाम है पिशाच का प्रतिशोध, जिसे लिखा है सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने, जो एक इंटरेस्टिंग थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर नॉवल है। इसके मेन कैरेक्टर में है सुनील द रिपोर्टर। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पिशाच का प्रतिशोध नॉवल का पार्ट वन। चैप्टर वन। सुनील ने एक और रेलिंग लगा गलियारा पार किया और रिसेप्शन के आगे से गुजरा। जा रहे हो देवदास? आहों और कराहों में डूबी रेणु की महीन आवाज उसकी कानों में पड़ी। सुनील ठिटका, ये कौन सा दौरा पड़ा? सुनील उसकी ओर घूमकर बोला, रात को टेलीविजन पर देवदास फिल्म आई थी। रेणु सहज स्वर में बोली, उसमें देवदास जब पहली बार कलकत्ता गया था तो ऐसी मनोज सूरत बनाकर पार्वती के मकान के आगे से गुजरा था, जैसे इस वक्त तुम मेरे सामने से गुजर रहे थे। और पार्वती ने कहा था? सुनील रेणु की आवाज की नकल उतारता हुआ बोला, जा रहे हो देवदास? हाँ, लेकिन तुम तो पार्वती नहीं हो, चंद्रमुखी भी नहीं हो। फिर क्या हुआ, तुम ही कौन से देवदास हो? वैसे देवदास फिल्म का जिक्र तुमने मुझ पर ये रोप गांठने की नीयत से तो नहीं किया था कि तुम्हारे पास टेलीविजन है? हाँ, यही बात है। कहाँ से आया? रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर की तनख्वाह पर टेलीविजन कैसे खरीद पाई तुम? मैंने कहाँ खरीदा है, एक यार ने दिलवाया है, कह रहा था अगली बार हवाई जहाज दिलाऊंगा। बधाई हो, तुम तरक्की कर रही हो। तुम जले नहीं? सरासर जला हूँ मेम साहब, जल भुनकर कबाब हो गया हूँ। तुम्हें धुआं उठता दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हें कुछ जलने की गंध नहीं आ रही? रेणु ने दो तीन बार वातावरण में कुछ सूंघने का अभिनय किया और फिर बोली, आ तो रही है, ये मेरा कलेजा फूंक रहा है। वेरी गुड, सर्व्ड यू राइट। वैसे मेरी एक राय मानो। क्या? एक आध यार से क्या बनेगा, 10-20 यार और पाल लो, ज्यादा माल हाथ आएगा। शायद कोई हवाई जहाज खड़ा करने के लिए एयरपोर्ट दिलवा दे, शायद कोई। लिस्ट में तुम्हारा भी नाम लिख लूं, तुम क्या दिलवाओगे? मैं कोई तुम्हारा यार हूं? तो फिर क्या हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या फर्क हुआ? बहुत फर्क है, दोस्त इज्जतदार शब्द मालूम होता है, यार बाजारू। खैर दोस्त ही सही, अब मतलब की बात तो गोल मत करो। तुम क्या दिलवाओगे मुझे? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे यारों के साथ कंपटीशन में नहीं आना चाहता। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम कंजूस हो, मक्खी चूस हो? कभी फूटे मुँह से इतना कहते नहीं बना कि चलो रेणु तुम्हें सिनेमा दिखा लाऊं, 100 रुपये वाला डिनर खिलवा लाऊं। मैं क्यों कहूँ, मैं तुम्हारा कोई डिलक्स यार, मेरा मतलब है दोस्त थोड़े ही हूँ, मैं तो मामूली आदमी हूँ। क्या कभी अपने मुँह से मुझे कोसते रहने की जगह तुम नहीं कह सकती कि चलो सुनील तुम्हें सिनेमा दिखा लाऊँ, 100 रुपये वाला डिनर खिला लाऊँ? तुम्हें शर्म नहीं आएगी? जरा भी नहीं। तो ठीक है, कहती हूँ। कहो, सुन रहा हूँ। मिस्टर सुनील कुमार चक्रवर्ती, रेणु मधुर स्वर में बोली, आइए आज रात मैं आपको सिनेमा दिखा लाऊँ, 100 रुपये वाला डिनर खिला लाऊँ। मुझे खेद है मैडम, सुनील खी से निपोरता हुआ बोला, मैं आज का निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। आज रात मैंने फिल्म स्टार प्याला सिन्हा के साथ डिनर लेना है। तो कल रात से ही? सॉरी, कल फिल्म स्टार खतरा ईमान के साथ, परसों संतरा चटर्जी, उसके बाद अजाया भादुड़ी, उसके बाद परवीन भाभी, रियाना बेईमान, अनुराधा खरबूजा, जहन्नुम में जाओ, वहाँ से भी नगीना कुमारी का निमंत्रण मिला है। तो फिर पहुँचो जहन्नुम में, अभी वक्त है, यहाँ के काम निपटा कर जाऊँगा। रेणु के सब्र का प्याला भराया। खसमाणु खाओ, वो चिढ़कर बोली, ये खसमा क्या होता है? होता है कुछ, डबल रोटी में लगाकर खाया जाता है। वेरी गुड, तब तो रेणु। तभी पीछे कोई धीरे से खांसा। सुनील ने घूमकर देखा, पीछे एक लंबा ऊंचा अधेड़ आयु का आकर्षक व्यक्तित्व वाला आदमी खड़ा था। वो एक कीमती सूट पहने था और उसके चेहरे पर से सख्त नाराजगी टपक रही थी। सुनील ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी ओर देखा। ये ब्लास्ट का दफ्तर है? वो आदमी रूखे स्वर में बोला, जी हाँ, मैं अखबार के किसी महत्वपूर्ण आदमी से बात करना चाहता हूँ। किस विषय में? ये मैं उसी को बताऊंगा। सुनील रेणु की ओर घुमा, मैं अखबार का महत्वपूर्ण आदमी हूँ? उसने पूछा। हाँ, रेणु होंठ काटती हुई बोली, धन्यवाद, हम प्रसन्न हुए। सुनील उस व्यक्ति की ओर घुमा, तशरीफ लाइए। वो सुनील के साथ हो लिया। सुनील उसे अपने केबिन में ले आया। मेरा नाम सुनील है, वो बोला, मैं ब्लास्ट का स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो आदमी एक क्षण चुप रहा, फिर सावधानी से बोला, मेरा नाम संपत गायकवाड़ है, अहमदाबाद और बम्बई में मेरी कपड़े की मिले हैं,
यहाँ मैं कपड़ा मिल मालिकों के अखिल भारतीय अधिवेशन में भाग लेने आया हूँ। मैं कपड़ा मिल मालिकों की एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा, सुनील तनिक भी प्रभावित हुए बिना बोला। संपत गायकवाड ने एक बार कुर्सी पर पहलू बदला और फिर बोला, मैं आपके अखबार को एक ऐसे अपराध की सूचना देना चाहता हूँ जिसका जिक्र मैं पुलिस के सामने नहीं कर सकता। अच्छा, इस बार सुनील के स्वर में दिलचस्पी का पुट था। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके शहर के शाहजहाँ जैसे इज्जतदार और उच्च स्तर के होटल में ऐसी कॉल गर्ल्स उपलब्ध हैं जो अपनी सेवाओं के बदले में अपनी औकात से ज़्यादा पैसा हासिल करती हैं और फिर दाव लगने पर ग्राहक को लूट भी लेती हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि शाहजहाँ होटल में कॉल गर्ल्स उपलब्ध हैं? जी हाँ, बड़ी सहूलियत से। किस्सा क्या है? हमारी एसोसिएशन के सारे भारत से आए हुए तमाम प्रतिनिधि होटल शाहजहाँ में ठहरे हुए हैं। मैं भी वही हूँ, कमरा नंबर 802 में। रात को मैंने फ्लोर वेटर को बुलाकर पूछा कि क्या शाहजहाँ में एक तन्हा आदमी के लिए कोई दिलजोई का सामान हो सकता है। जिस आसानी से उसने मेरा इशारा समझ लिया, उसी से साफ जाहिर होता था कि वैसी बातें वहाँ आम थी। उसने मुझे बताया कि वो 100 रुपये में मेरे लिए बड़ी हाई क्लास की लड़की का इंतज़ाम कर सकता है। मैंने हामी भर दी। आधे घंटे में एक लड़की मेरे कमरे में पहुँच गई। लड़की कैसी थी? क्या मतलब? क्या ये कोई स्कूल कॉलेज की या कोई गरीब मजबूर नौकरी पेशा लड़की मालूम होती थी? क्यों पूछा तुमने? हमें ऐसा संकेत मिला है कि नगर में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जिसके सदस्य गरीब तबके की मजबूर लेकिन नहायत खूबसूरत लड़कियों को या ऐसे ही तबके की स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को ऊंची जिंदगी के सब्ज बाग दिखाकर बरगला लेते हैं और उन्हें रईस लोगों की दिलजोई के लिए बड़े अनुशासित ढंग से पेश करते रहते हैं। हम इस संदर्भ में काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं और जल्द ही अपने अखबार के माध्यम से इस गैंग की करतूतों को संबंधित उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने का इरादा रखते हैं। अगर वो तुम्हारे बताए ढंग की लड़की थी तो कम से कम मुझे ऐसी नहीं लगी थी। वो तो खूब हट्टी कट्टी लंबी ऊंची कद्दावर लड़की थी। पहनावे और रखरखाव से वो गरीब तो हरगिज नहीं लगती थी। व्यवहार से ऐसा भी नहीं लगता था कि ये काम वो मजबूरी में कर रही थी। वो तो साफ साफ निहायत सर्द मिजाज सौदेबाजी का सिलसिला निकला। इस हाथ दे उस हाथ ले वाली बात थी। सुनील तनिक निराश हो गया। जिस गैंग का उसने जिक्र किया था उसने सोचा था कि उसे उसका कोई सूत्र हासिल होने जा रहा था, लेकिन यहाँ तो कोई दूसरा ही सिलसिला मालूम हो रहा था। या फिर शायद उस आदमी को उस लड़की को समझने में गलती लगी हो। लड़की के बारे में और कुछ बताइए, प्रत्यक्ष सुनील बोला। बहुत ज़्यादा कुछ तो मैं खुद नहीं जानता, संपत गायकवाड़ बोला। उसने अपना नाम निम्मी बताया। भरा भरा छरहरा जिस्म था उसका। कद 5.25 फुट से निकलता हुआ था। नए नक्श बहुत तीखे थे, बाल स्याह काले थे, आंखें भूरी थी, यूपी की मालूम होती थी। बोलचाल में कैसी थी वो? मुझे क्या मालूम, मैंने उसे बोलचाल के लिए थोड़े ही तलब किया था। ओह, और उसकी बाएं जांग पर भीतर की ओर एक गोदने का निशान था, यानी कि बत्ती जलाकर रखी थी आपने। संपत गायकवाड़ के चेहरे पर नाराजगी के भाव उभरे, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं बोला। लड़की आपके कमरे में कितने बजे पहुंची? सुनील ने पूछा। 11:30 बजे। आपने उसे 100 रुपये दिए और फिर तफरी में जुट गए? हाँ, वो कठिन स्वर में बोला। तफरी का सिलसिला कब तक चला? 2 बजे तक, फिर मैं सो गया। लड़की तब भी कमरे में थी? हाँ, मेरे साथ सोई थी। फिर सुबह 5 बजे के करीब जब मेरी नींद खुली तो मैंने लड़की को अपने पहलू से गायब पाया। पहले तो मैंने इस बात को महत्व नहीं दिया, उसने जाना तो था ही। अच्छा था मुझे डिस्टर्ब किए बिना ही चली गई। लेकिन बाद में जब किसी अन्य ज़रूरत से मैंने अपने कोट की जेब में हाथ डाला तो मालूम हुआ कि मेरी जेब में से 2000 रुपये भी गायब थे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो रकम वो लड़की ही ले गई थी? और कौन ले जा सकता था? लड़की के आने के बाद मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया था। शायद वो रकम आपसे कहीं गिर गई हो। नहीं गिरी, लड़की के वहाँ पहुँचने से थोड़ी देर पहले मैंने जब उसे देने के लिए जेब में से 100 का नोट निकाला था तो बाकी के 100-100 के 20 नोट सही सलामत मेरी जेब में मौजूद थे। आपने उस फ्लोर वेटर से कोई बात नहीं की जिसने आपके लिए लड़की मुहैया की थी? नौबत नहीं आई, वो रात की ड्यूटी का वेटर था। पूछने पर मालूम हुआ था कि रात को ही आएगा, लेकिन मुझे मालूम है वो क्या जवाब देगा। जब वो 2000 रुपये गायब होने की बात सुनेगा तो वो शायद इस बात से भी इनकार कर देगा कि उसने मेरे लिए किसी लड़की का इंतज़ाम किया था। उस वेटर का नाम मुझे नहीं मालूम। कोई नंबर वगैरह होगा? मैंने ध्यान नहीं दिया। हुलिया, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे तो सारे वर्दीधारी वेटर एक ही जैसे लगते हैं। मैं केवल इतना बता सकता हूँ कि वो नौजवान आदमी था। आईसी, क्वेश्चन शांति रही। वेल, अंत में संपत गायकवाड़ बेसब्रेपन से बोला। आपने कहा था आप इस घटना की रिपोर्ट पुलिस से नहीं कर सकते, सुनील बोला। जाहिर है। क्यों? निहायत बचकाना सवाल कर रहे हो मिस्टर,
मैं जब पुलिस को जाकर ये बताऊंगा कि मैंने अपने कमरे में कॉल गर्ल मंगवाई थी जिसने बाद में मेरे 2000 रुपये चोरी कर लिए थे, तो वे लोग मुझे भी पकड़ कर नहीं बिठा लेंगे? वो ये नहीं कहेंगे कि वैश्यावती एक गैरकानूनी हरकत है और वैश्या का ग्राहक भी उसको इस काम में प्रोत्साहन देने के लिए बराबर का अपराधी होता है? मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, मैं पुलिस के बखेड़ों में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन आप अखबार में तो इस घटना को प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तब क्या इस घटना की खबर पुलिस को नहीं लगेगी? तब क्या आपका नाम इस बखेड़े से दूर रह पाएगा? मैंने ये कब कहा कि मैं अखबार में इस घटना को प्रकाशित करवाना चाहता हूँ? तो फिर मैंने आपको एक सच्ची घटना सुनाई है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने अखबार में ये छापें कि होटल शाहजहाँ जैसे ऊंचे होटल में बड़े नियोजित रूप से कॉल गर्ल सर्विस चलाई जाती है। न केवल ये, बल्कि उन छोकरियों में पेशे की कोई ईमानदारी नहीं। एक रात के 100 रुपये हासिल कर चुकने के बाद वे अपनी मर्जी से या अपने गैंग के संचालकों की मर्जी से ग्राहक को लूटने में भी कसर नहीं छोड़ती। इससे आपको क्या फ़ायदा? एक तो संबंधित अधिकारी चेतेंगे, दूसरे अगर कॉल गर्ल्स किसी गैंग द्वारा सप्लाई की जाती है और ग्राहकों को लूटने का आइडिया लड़कियों का अपना होता है तो शायद वे भी चेते और उस निम्मी नाम की लड़की की ज़रा अच्छी खबर लें। इस संदर्भ में ये भी मुमकिन है कि वे मुझे मेरे 2000 रुपये वापस भिजवा दें। यानी कि आप अपने 2000 रुपये के लिए चिंतित हैं? कतई नहीं, मुझे उस रकम की रत्ती भर भी परवाह नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, 2000 रुपये की मेरे सामने कोई अहमियत नहीं। मैं तो चाहता हूँ उस निम्मी नाम की छोकरी को अपने किए की कोई सज़ा मिले। मुझे रुपये की चिंता नहीं, ये तो एक सिद्धांत की बात है। मुझे गुस्सा तो इस बात का है कि एक मामूली छोकरी मुझे बेवकूफ़ बना गई। मैं उस छोकरी से 2000 रुपये वापस लेने का इच्छुक नहीं, लेकिन उसे अपनी इस करतूत की कोई सज़ा मिले तो मैं तो 2000 रुपये खर्च करने को तैयार हूँ। ये तो टके की बुढ़िया दुवन्नी सिर मुड़ाई वाली बात हो गई, यही समझ लो। ठीक है, हम ये खबर छापने को तैयार हैं, लेकिन आपको इस संदर्भ में अपना लिखित बयान हमें देना होगा। हरगिज नहीं, वो तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोला। लेकिन ये ज़रूरी है, सुनील बोला। खबर छापने के बाद अगर संबंधित अधिकारियों ने हमसे पूछताछ की तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारी इस खबर का आधार क्या है। आधार आप वही बताइए जो अपनी सिक्केबंद भाषा में अखबार वाले हमेशा बताते हैं, यानी कि आपको विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है। देश में इमरजेंसी चल रही है साहब, आजकल ऐसी बातें नहीं चल सकती। आजकल पूछे जाने पर बताना पड़ सकता है कि हमारी जानकारी का क्या साधन है। मैं लिखित में कुछ नहीं दे सकता। हम आपको आश्वासन देते हैं कि जब तक बिल्कुल ही ना टलने वाली मजबूरी नहीं आ जाएगी, हम आपका नाम जाहिर नहीं करेंगे। नहीं, आप मेरी सामाजिक स्थिति नहीं समझ रहे हैं। मैं बम्बई की ऊंची सोसाइटी का एक अंग हूँ, विवाहित और बाल बच्चेदार आदमी हूँ। ऐसे किसी मामले में अपना नाम घसीटा जाने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। फिर तो हमारी मजबूरी है, यानी कि मैं यहाँ तक बेकार ही आया। हमारी मजबूरी है साहब। ओके, वो उठता हुआ बोला। राजनगर में ब्लास्ट ही इकलौता अखबार नहीं है, मैं किसी और अखबार वाले के पास जाता हूँ, वहाँ से भी आपको यही जवाब मिलेगा। आपके लिखित बयान के बिना ये खबर कोई नहीं छापेगा। साजा ITC का होटल है, उसके बारे में ऐसी कोई बात लिखना जिसका कि बाद में कोई ठोस आधार ना प्रस्तुत किया जा सके, किसी भी अखबार के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन मिस्टर, अखबार तो जनता की आवाज़ होता है, क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप जनता की आवाज़ को जुबान दें? बनता है, हम अपना धर्म निभाते भी हैं, लेकिन जो कुछ आप कह रहे हैं वो जनता की आवाज़ तो नहीं, ये तो एक ऐसे विलासी पुरुष की आवाज़ है जो अपने बीवी बच्चों से दूर किसी गैर शहर में आकर भाड़े की लड़कियों से दिलजोई करने की खुराफातें सोचता रहता है। तुम मेरा अपमान कर रहे हो, वो क्रोधित स्वर में बोला। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, सुनील शांति से बोला। तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम एक मामूली रिपोर्टर हो, तुम क्या जानो रईस आदमी की फितरत क्या होती है? 100 रुपये में लड़की हासिल करके साथ दिलजोई करना रईस आदमी की फितरत में शुमार है? हाँ। तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? जो हुआ उसे भुगतिए। हाय हाय किस बात की? तुम बात का मतलब नहीं समझ रहे हो, मैंने कहा है, मुझे मालूम है आपने क्या कहा है, अपना मतलब भी समझाया है आपने मुझे। ये सिद्धांत की बात है, एक मामूली छोकरी आपको बेवकूफ़ बना जाए ये बात आपको गवारा नहीं, वगैरह वगैरह। संपत गायकवाड़ कहर भरी निगाहों से उसे घूरता रहा। सुनील ने लापरवाही से लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और उसमें से एक सिगरेट खींच लिया। सिगरेट, वो बोला। गायकवाड़ ने सिगरेट की ओर झांका तक नहीं, वो भुनभुनाता हुआ बोला, मैं तुम्हारे एडिटर के पास जाता हूँ, एडिटर का भी वही जवाब होगा जो मैंने आपको दिया है। सुनील सिगरेट अपने होठों में दबाकर बोला, आप ऐसा कीजिए, आप मलिक के पास जाइए, वो सरमायादार आदमी है, आपकी तरह रईस आदमी की फितरत समझता होगा, आपकी भाषा उसे आसानी से समझ आ जाएगी। संपत गायकवाड़ पांव पटकता हुआ उसके केबिन से बाहर निकल गया। सुनील ने सिगरेट सुलगा लिया और उसके हल्के हल्के कश लगाने लगा। अंत में वो इसी नतीजे पर पहुंचा कि पूछताछ करने में कोई हर्ज नहीं था। बात केवल शाहजहाँ की नहीं थी, उसे खबर लगी थी कि कॉल गर्ल सर्विस का यह सिलसिला नगर के तमाम बड़े होटलों में चल रहा था।
सुनील को उन लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो बालिग थी और अपनी मर्जी से इसे एक सहूलियत से पैसे कमाने का धंधा समझकर वैश्यावृत्ति करती थी। वो जानता था कि जिस औरत ने इसे एक धंधे के तौर पर कबूल किया था उसे प्रवचनों से इस काम से अलग नहीं किया जा सकता। तभी उसकी अंतरात्मा की धिक्कार ही उसे इस धंधे से अलग कर सकती थी। लेकिन वो उन कमसिन नादान लड़कियों को इस काम से निजात दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था जो जबरदस्ती या बरगलाकर या किसी नकली और वक्ती लाभ के सब भाग दिखाकर इस धंधे में लगाई जाती थी। संपत गायकवाड़ की बताई घटना की तफ्तीश भी वो इसलिए करना चाहता था ताकि उसे मालूम हो सके कि कॉल गर्ल के इस धंधे में किस प्रकार की लड़कियों का दखल था। सुनील अपनी मोटरसाइकिल पर शाहजहां पहुंचा। वो रिसेप्शन पर पहुंचा। काउंटर के पीछे चार रिसेप्शन क्लर्क खड़े थे। हु इज इंचार्ज हियर, सुनील अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। आई हैव द ऑनर, एक आदमी आगे बढ़कर बोला। फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सुनील ने बड़े अंदाज से अपनी जेब से अपना प्रेस कार्ड निकाला और उसे खोलकर उस आदमी के सामने करता हुआ बोला, मैं CID इंस्पेक्टर चक्रवर्ती हूँ। उस आदमी ने थूक निकली। सुनील ने उसे कार्ड इस ढंग से और इतने थोड़े समय के लिए दिखाया था कि उसे कार्ड पर लगी सुनील की तस्वीर की एक झलक ही दिखाई दी थी। वो उस पर से कुछ पढ़ नहीं पाया था। फरमाइए, वो फिर बोला, आप लोग इस होटल में वेटरों की ड्यूटी का कोई हिसाब रखते हैं? सुनील ने पूछा। जी हाँ, हर चीज़ का हिसाब रखते हैं। कल रात को 8वें फ्लोर पर किस वेटर की ड्यूटी थी? ये तो लॉग बुक देखकर ही बताया जा सकता है साहब। तो देखो, वो एक मोटा सा रजिस्टर उलटने पलटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने रजिस्टर को बंद कर दिया और बोला, कल रात 8वें फ्लोर पर मदन लाल की ड्यूटी थी। सिर्फ एक वेटर की? जी हाँ, 10 बजे के बाद एक फ्लोर पर एक वेटर काफ़ी समझा जाता है। मदन लाल इस वक्त कहाँ होगा? वो रात की ड्यूटी करता है साहब, इस वक्त अपने क्वार्टर में होगा। उसका क्वार्टर कहाँ है? और किस्तों में बात मत करो, सब कुछ एक ही बार में कह डालो। होटल के पिछवाड़े में स्टाफ क्वार्टर है साहब, उसका क्वार्टर नंबर 14 है। सुनील चुप रहा। लेकिन बात क्या है साहब, क्या किया है मदन लाल ने? कुछ नहीं, मैं उसके क्वार्टर में जा रहा हूँ, सुनील कठोर स्वर में बोला। मेरे पहुँचने से पहले ही तुम उसे ये संदेशा मत पहुँचा देना कि पुलिस उसके बारे में पूछताछ कर रही थी। नहीं साहब, वो हड़बड़ाकर बोला, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। थैंक यू, सुनील वहाँ से हट गया। वो होटल के पिछवाड़े पहुँचा। मदन लाल का क्वार्टर तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद उत्तर ना मिलता पाकर उसने पहले से ज़्यादा ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और प्रतीक्षा करने लगा। इस बार दरवाज़ा खुला। चौखट पर एक आदमी प्रकट हुआ जो मैला सा कमीज पजामा पहने था और उसकी उनिंदी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो सोते से उठकर आया था। मदन लाल, तुम्हारा नाम है? सुनील अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। जी हाँ, वो सक पका कर बोला। मैं एक केस की तफ्तीश के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। केस? हाँ, मुझे भीतर आने दो। मदन लाल पीछे हट गया। सुनील भीतर दाखिल हुआ। एक मामूली सा कमरा था। वो उसमें मौजूद इकलौती कुर्सी पर बैठ गया। मदन लाल आंखें मलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। बैठो, सुनील बोला। मदन लाल हिचकिचाता हुआ चारपाई पर बैठ गया। आपकी तारीफ साहब? मदन लाल ने झिझकते हुए पूछा। मेरा नाम सुनील है, वो यूं बोला जैसे नाम बता देना ही उसकी पर्याप्त तारीफ थी। इससे पहले कि मदन लाल फिर कोई सवाल पूछ पाता वो बोला, होटल के 8वें फ्लोर पर कल रात तुम्हारी ड्यूटी थी? जी हाँ, कल रात 11 बजे के करीब तुम्हें कमरा नंबर 802 से बुलावा आया था? आया होगा, बुलावे आते रहते हैं। एक रात में मुझे किस किस कमरे में बुलाया गया है ये अगले दिन याद थोड़ी ही रहता है। ये बुलावा याद आ जाएगा तुम्हें। उस कमरे में ठहरे आदमी ने किसी दिलजोई के सामान की मांग की थी। तुमने उसके कमरे में निम्मी नाम की एक कॉल गर्ल भेजी थी। मैंने? उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। मैंने ऐसा नहीं किया था, होटल साजा में ऐसी हरकतें नहीं चलती साहब, यहाँ ऐसे कामों की इजाज़त नहीं। मुझे मालूम है, मुझे ये भी मालूम है कि इजाज़त ना होने के बावजूद ऐसे काम यहाँ होते हैं। अगर ये खबर मैनेजमेंट तक पहुंच जाए तो नौकरी से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। मदन लाल ने अपने उलझे बालों में हाथ फेरा और उदास भाव से सिर हिलाता हुआ बोला, नौकरी से छुट्टी तो हो ही गई समझिए। आप मेरे बारे में होटल से ही किसी से पूछकर आए होंगे? हाँ, रिसेप्शन से। बस हो गया काम, बात मैनेजर तक पहुँच गई समझिए। उस रिसेप्शनिस्ट ने जाकर मैनेजर को बता दिया होगा कि कोई पुलिस अधिकारी मेरे बारे में पूछताछ करता हुआ आया था और इस वक्त मेरे साथ मेरे क्वार्टर में है। आपके जाते ही मुझे मैनेजर अपने ऑफिस में तलब कर लेगा। ऐसा नहीं होगा, मैंने रिसेप्शन पर कह दिया है कि मेरे आगमन का कोई जिक्र ना किया जाए। अच्छा, ये तो बड़ी मेहरबानी की आपने। हाँ, फिलहाल मेहरबानी है, लेकिन अगर तुमने मुझे सहयोग ना दिया और मुझे बहलाने की कोशिश की तो ये मेहरबानी वापस भी हो सकती है।
फिर मैं खुद जाकर मैनेजर को बताऊंगा कि तुमने होटल में कॉल गर्ल सप्लाई का साइड बिजनेस भी चालू किया हुआ है। लेकिन शट अप, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी करतूतों की मुझे पक्की जानकारी है। सच बोलने में ही तुम्हारा कल्याण है मदनलाल। उसी सूरत में तुम्हारी नौकरी बच सकती है, बशर्ते कि उस छोकरी की दूसरी हरकत में भी तुम्हारा हाथ ना हो। दूसरी हरकत? कौन सी दूसरी हरकत? निम्मी ने अपने ग्राहक के 2,000 रुपये उड़ा लिए थे। मदनलाल के नेत्र फैल गए। मैं साले की, वो ठिठका और फिर संभल कर बोला, साहब आप ही सोचिए, ऐसी किसी हरकत में मेरा हाथ कैसे हो सकता है? किस्सा क्या है? मैं तो उस आदमी पर एक मेहरबानी करने की कोशिश कर रहा था, वो व्यग्र स्वर में बोला, मुझे तो इस काम की कोई कमीशन भी नहीं मिलती। होटल का गेस्ट ही अगर हमारी मदद से खुश होकर हमें टिप कर दे तो और बात है। होटल के सारे वेटर होटल में अकेले ठहरे हुए पुरुष मेहमानों के लिए ये काम करते हैं साहब, इसलिए मैं भी करता हूँ और मैनेजमेंट को ये बात मालूम भी है, मगर सारा सिलसिला शांति से चलता रहे तो वे इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आप मेरी शिकायत करेंगे तो बात खुल जाएगी। वे मुझे इसलिए फ़ौरन नौकरी से निकाल देंगे क्योंकि किसी पुलिस अधिकारी के सामने वे हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे कि उन्हें इन बातों की जानकारी थी। वे तो यही जाहिर करेंगे कि वेटर उनकी जानकारी में आए बिना ऐसी हरकत कर रहा था। मालूम होते ही उन्होंने उसे फ़ौरन नौकरी से निकाल दिया और वो सिलसिला ख़त्म कर दिया। कहने का मतलब ये है साहब कि हर हाल में नजला तो मुझ पर ही गिरेगा। मेरी नौकरी चली जाने से आपको क्या हासिल होगा साहब? मुझ पर मेहरबानी करो ना। तो फिर तुम झूठ बोलना बंद करो। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। तुम यही झूठ बोल रहे हो कि मेहमानों के लिए लड़की मुहैया करने के लिए तुम्हें कमीशन नहीं मिलती। तुम्हारे माध्यम से जो भी कॉल गर्ल इस होटल में आती होगी तुम्हें उस पर कमीशन ज़रूर मिलती होगी। साहब बको मत, झूठ वो बोलो जो चचे, जिसका तुम्हें कुछ फ़ायदा हो, जिससे तुम्हें कुछ हासिल हो। मदनलाल ने थूक निकली। और फिर मेरी दिलचस्पी रंडी के दलाल में नहीं, रंडी में है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हें कमीशन मिलती है या नहीं। तो वो उलझनपूर्ण स्वर में बोला, मुझे निम्मी का पूरा नाम और पता बताओ। मैं नहीं जानता, मैं तो लड़की को भी नहीं जानता। सुनील ने कहर भरी निगाहों से उसे घूरा। मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो दयनीय स्वर में बोला, मुझे नहीं मालूम कल रात 802 नंबर में कौन सी लड़की भेजी गई थी। मेहमान द्वारा ऐसी कोई मांग किए जाने पर मैं सिर्फ एक फ़ोन करके कमरा नंबर बता देता हूँ, फिर वहाँ कौन सी लड़की पहुँचती है मुझे इससे मतलब नहीं होता। कल रात भी ऐसा ही हुआ था। जिस लड़की का नाम आप निम्मी बता रहे हैं मैंने उसकी सूरत भी नहीं देखी। तुम फ़ोन कहाँ करते हो? वो फिर चुप हो गया। बोलो बोलो, कहाँ फ़ोन करते हो, किसे फ़ोन करते हो? 319472 पर, वो हिचकिचाता हुआ बोला। किसे? किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। जो भी दूसरी ओर से फ़ोन उठाए मैं उसे कह देता हूँ कि होटल के फला कमरे में एक लड़की भेज दो। सुनील को वो सच बोलता महसूस हुआ। ये नंबर तुम्हें किसने बताया? मेरे से पहले होटल में काम करने वाले एक वेटर ने। उसका नाम बोलो। उसका नाम रघुनाथ है, लेकिन उससे पूछने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसे ये नंबर किसी और वेटर ने बताया होगा और उस वेटर को किसी और वेटर ने बताया होगा। ये नंबर हर वेटर जानता है, लेकिन शुरुआत में ये नंबर किसने किसको बताया था ये कोई नहीं जानता। तुमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की? नहीं साहब, हमारा मतलब ही नहीं। हमारी ओर से ये नंबर काले चोर का हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? यानी कि तुम्हारी कमीशन तुम्हारे घर पहुँच जाती है? मैंने अर्ज़ किया ना साहब, कोई कमीशन नहीं मिलती। क्यों नहीं, क्यों नहीं? तुम ये सेवा धर्म कार्य समझ के कर रहे हो? अब आप जो मर्जी कह लीजिए, वैसे हकीकत यह है कि छोड़ो, निम्मी के बारे में बात करो। मैं उसे नहीं जानता साहब, मैंने कभी उसकी सूरत नहीं देखी, लेकिन नाम ज़रूर सुना होगा, और नाम सुना होगा तो उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूम भी होगा। नहीं साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने आज तक ना किसी कॉल गर्ल का नाम जाना है और ना किसी की सूरत देखी है। मैं तो सिर्फ फ़ोन पर उस आदमी का कमरा नंबर बोल देता हूँ जिसे लड़की दरकार होती है। अच्छी बात है, सुनील उठ खड़ा हुआ। मदनलाल भी उठा। मैं निश्चित हो जाऊँ ना साहब, वो व्यग्र स्वर में बोला, आप मैनेजर से मेरी रिपोर्ट तो नहीं करेंगे? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, सुनील लापरवाही से बोला, मैं क्या कोई पुलिसिया हूँ? जी, मदन हैरानी से बोला, तो आप मैं ब्लास्ट का रिपोर्टर हूँ। लेकिन आपने तो कहा था कि क्या कहा था? कि आप एक केस की तफ्तीश के सिलसिले में यहाँ आए हैं। कहा था? ऐसा कहने से मैं पुलिस वाला हो गया? कमाल है, मैं खामखा मुँह फाड़ता रहा। सुनील हंसा। बाबूजी, एकाएक मदनलाल का स्वर कर्कश उठा, साहब गायब हो गया, उसका स्थान बाबूजी ने ले लिया। अगर तुमने इस बारे में अखबार में कुछ छापने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा, सुनील विनोदपूर्ण स्वर में बोला, क्या करोगे तुम? मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जो गैंग कॉल गर्ल का ये धंधा चलाता है उसका बॉस तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। तुम जानते हो उसे?
अभी तो तुम कह रहे थे कि टेलीफोन नंबर के अलावा तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते। तुम तो बड़े लंबे नप जाओगे प्यारे लाल। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बॉस के किसी आदमी पर हाथ डालने का अंजाम बड़ा खतरनाक हो सकता है। तुम कथित बॉस के कोई आदमी नहीं हो, तुम तो एक दो टके के आदमी हो। तुम्हारा कॉल गर्ल के इस धंधे से इतना ही वास्ता है कि तुम्हें एक नंबर मालूम है जिस पर तुम कॉल गर्ल बुलाने के लिए फ़ोन कर सकते हो। बॉस को तो तुम्हारे अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं होगा, वो मात्र एक दल्ले की हिफाजत के लिए कुछ क्यों करेगा। मदनलाल गैस निकले गुब्बारे की तरह पिचक गया। और फिर तुम किसी बॉस वॉस को जानते कहाँ हो, सुनील उपहासपूर्ण स्वर में बोला। अभी तो तुमने कहा है कि एक टेलीफोन नंबर के अलावा तुम्हें इस सिलसिले की कोई जानकारी है ही नहीं। तुमने हिंदुस्तानी फिल्मों में और घटिया जासूसी उपन्यासों में ऐसे काम करता बॉस नाम का कोई जंतु देखा है, इसलिए सोच लिया कि यहाँ भी कोई बॉस होगा और उसी के नाम का सहारा लेकर तुम मुझ पर रोप गांठने की कोशिश करने लगे, जबकि वास्तव में शायद ये टैक्सी स्टैंड के टेलीफोन नंबर की तरह कॉल गर्ल की सोसाइटी का ही नंबर हो। कुछ समझे? मदनलाल ने थूक निकली। और एक बात और याद रखना, सुनील कठोर स्वर में बोला, मैं पुलिस अधिकारी ना सही लेकिन तुम्हारी नौकरी मैं फिर भी छुड़वा सकता हूँ। मैं इस बारे में पुलिस में भी रिपोर्ट कर सकता हूँ और तुम्हारे मैनेजर से भी। ऐसा मत करना, वो कंपित स्वर में बोला। तुम हड़बड़ाए हो इसलिए अदब से नहीं बोल पाए, सुनील मीठे स्वर में बोला। दरअसल तुम कहना चाहते थे ऐसा मत कीजिएगा साहब। जी हाँ जी हाँ। क्या जी हाँ? ऐसा मत कीजिएगा साहब। शाबाश, अब तुम ये बताओ कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इस सिलसिले में फिर तुमसे दो चार होने के लिए लौट कर आऊँ? नहीं, सुनील ने उसे घूर कर देखा। नहीं साहब, वो जल्दी से बोला। दैट्स अ गुड बॉय, सुनील प्रशंसात्मक स्वर में बोला। तो फिर मेरे जाने के बाद 319-472 पर फ़ोन करके ये मत कहना कि कोई तुमसे निम्मी के बारे में पूछताछ करने आया था। कहने का मतलब ये है कि अपने किसी कथित बॉस को सावधान करने की कोशिश मत करना। नहीं करूँगा, वो बोला। और फिर जल्दी से वाक्य में पुछल्ला लगाता हुआ बोला, साहब शाबाश, तुमने अपनी नौकरी बचा ली है। आपकी मेहरबानी साहब, वो खींचे निपोड़ता हुआ बोला। सलाम मारो। सलाम साहब, वो बड़ी गर्मजोशी से बोला। सुनील क्वार्टर से बाहर निकल गया। वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंच गया। अपने केबिन में जाकर उसने टेलीफोन अपनी ओर घसीट लिया। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। रेणु की आवाज़ आते ही वो बोला, ज़रा लाइन दे दो। मैं नंबर मिला देती हूँ, रेणु बोली। नहीं, लाइन ही दे दो, मुझे एक सीक्रेट टेलीफोन करना है। किसे? अपनी किसी सहेली को? हाँ, लो करो। टेलीफोन से रेणु की आवाज़ आनी फौरन बंद हो गई और उसके स्थान पर डायल टोन आने लगी। उसने 319-472 पर फ़ोन किया। थोड़ी देर घंटी बजती रही, फिर किसी ने फ़ोन उठाया। हेलो, आवाज़ आई। कौन साहब बोल रहे हैं? सुनील मीठे स्वर में बोला। आपने किससे बात करनी है? कोई रूखे स्वर में बोला। अजी साहब, आप तो बताइए, आप कौन साहब बोल रहे हैं? शायद मैंने आप ही से बातें करनी हो। रॉन्ग नंबर, तुरंत संबंध विच्छेद हो गया। सुनील विचित्र भाव से कान से हटाकर रिसीवर को देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर वही नंबर डायल किया। तुरंत उत्तर मिला। हेलो, आवाज़ आई। हेलो, सुनील टेलीफोन विभाग के लाइन मैनेजर जैसी ऊंची आवाज़ में बोला। 319-472, हाँ, टेलीफोन ठीक चल रहा है साहब? तुम कौन हो? मैं टेलीफोन एक्सचेंज से मैकेनिक बोल रहा हूँ। हमने तो टेलीफोन की कोई शिकायत नहीं की। कभी कभी टेलीफोन को बिना शिकायत के भी चेक करना पड़ता है साहब। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। होना तो पहले भी चाहिए था, लेकिन अब खास तौर पर होने लगा है। टेलीफोन डिपार्टमेंट बड़ा मुस्तैद हो गया है साहब। बधाई हो, हमारा टेलीफोन ठीक है। फ़ोन कहाँ लगा हुआ है साहब? क्यों पूछ रहे हो? वहाँ आकर टेलीफोन की झाड़पोंछ पड़ेगी साहब। ज़रूरत नहीं है, ये टेलीफोन एकदम ठीक है। फिर भी आना पड़ेगा साहब, हमारी ड्यूटी है, ऊपर से हुक्म आया है। तुम टेलीफोन एक्सचेंज से बोल रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम ये टेलीफोन कहाँ लगा हुआ है? तुम्हारे पास रिकॉर्ड नहीं है साहब? हमें लिस्ट देखनी पड़ेगी, जबकि आप तो देखो लिस्ट। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया। सिगरेट के कश लगाता हुआ वो कोई नई तिकड़म सोचने लगा। अंत में उसने फिर वही नंबर डायल किया। हेलो, इस बार बेहद चिड़ी हुई आवाज़ आई। शाहजहाँ से बोल रहा हूँ, सुनील फिर आवाज़ बदलकर बोला। कमरा नंबर 512 में एक लड़की भेज दो, हो सके तो निम्मी को भेजना। इस वक्त हैरानी भरी आवाज़ आई। हाँ, कमाल है। कमरा नंबर 512, ध्यान रखना, वहाँ कोई निम्मी का पुराना ग्राहक ठहरा हुआ है। सुनो सुनो। हाँ, अपना नाम तो बताया नहीं तुमने। सुनील एक क्षण हिचकिचाया और फिर बोला, मदनलाल। मदनलाल? हैरानी भरी आवाज़ आई। तुम्हारी तो नाइट ड्यूटी थी। थी, मगर अब दिन में भी कर रहा हूँ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो तुम फ़ोन पर कह रहे थे कि तुम अपने क्वार्टर में सोते से जगाए गए थे। सुनील ने एक आह भरी और रिसीवर को धीरे से क्रेडल पर रख दिया। कोई तरकीब काम नहीं आ रही थी। उसने सोचा था
लड़की होटल में पहुंचेगी, वहां से निराश होकर वापस लौटेगी तो वो उसका पीछा करता हुआ उसके ठिकाने पर पहुंच जाएगा। लेकिन उसका खिस्सा नहीं चला था, उसे मदन लाल का नाम नहीं लेना चाहिए था। और मदन लाल सारी धमकियों के बावजूद भी संबंधित लोगों को उसकी सूचना देने से बाज नहीं आया था। तभी फोन की घंटी बजी। सुनील ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और बोला, हेलो। सोनो, रेड़ों की गरजती बरसती आवाज आई। एक नंबर के जलील आदमी हो तुम, क्या हो गया? सुनील बौखलाता हुआ बोला, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे, लेकिन हुआ क्या है? अभी अपनी निम्मी नाम की कौन सी अम्मा को कमरा नंबर 512 में बुला रहे थे, तुम बीच में सुन रही थी? गलती से चाबी ऑपरेट हो गई थी। मैंने तुम्हें इतना ही कहते सुना था कि कमरा नंबर 512 में एक लड़की भेज दो, हो सके तो निम्मी को भेजना, और कुछ नहीं सुना? नहीं। अब मैं कुछ कहूँ? बको, तुम एक नंबर की गधी हो, उल्लू की पट्टी हो, बात को समझती नहीं हो और अकल के पीछे लट लेकर पड़ जाती हो। तुम निम्मी नाम की किसी किराए की लड़की को नहीं बुला रहे थे? वो रुआ से स्वर में बोली, बुला रहा था। क्यों? अखबार के लिए एक बहुत बड़ा स्कूप हासिल करने के लिए। और कोई बात नहीं थी? नहीं, सारा वार्तालाप सुनती तो खुद समझ जाती। कहानी क्या है? सुनाऊंगा लेकिन अभी नहीं। तो फिर कब? जब तुम्हारी अक्ल तुम्हारे भेजे में होगी, कहीं घास चरने नहीं गई हुई होगी। सोनू, आई एम सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। माफ़ी ऐसे नहीं मिलती है। तो फिर कैसे मिलती है? तुम्हारे लिए कोई खास तरकीब इजाद करनी होगी, सोचकर बताऊंगा। अच्छा, बताना और लाइन रहने देना। अच्छा। सुनील ने घड़ी देखी, 11:30 बजे थे। उसने यूथ क्लब का नंबर डायल किया। कितनी देर घंटी बजती रहने के बाद कहीं जाकर रमाकांत की चिड़चिड़ी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हेलो, कौन है? भाई साहब, सुनील खुशामद भरे स्वर में बोला, मैं आपकी नींद में खलल डालने की गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक बहुत ही ज़रूरी काम के सिलसिले में मैंने आपका दरवाज़ा खटखटाया है। काम नहायत ज़रूरी ना होता तो मैं आधी रात को हरगिज़ आपको फ़ोन ना करता। आधी रात को? मेरा मतलब है भरी दोपहरिया में, जो कि आपके लिए आधी रात है। बको, एक चार मीनार सुलगा लेते तो दिमाग के झरोके खुल जाते और मेरी कही बात आपको याद रह जाती। सुलगा लिया है, अब जल्दी बोलो नहीं तो मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं करना। अब कह भी चुको? एक फ़ोन नंबर बता रहा हूँ तुम्हें, मालूम कर दो ये कहाँ लगा हुआ है। अच्छा, क्या नंबर है? 319472। ओके, कल फ़ोन करना, तब तक मालूम कर छोड़ूंगा। कल? अरे नहीं, तो 10 मिनट में। पागल हुए हो क्या? 10 मिनट तो मुझे होश में आने में लगेंगे। तो 15 मिनट में सही। ऑल राइट, आधे घंटे बाद फ़ोन करना। ओके, थैंक यू, जागते मिलना। अच्छा। सुनील ने रिसीवर रख दिया। उसने एक नया सिगरेट सुलगा लिया। कोई 5 मिनट बाद एक चपरासी लगभग 40 साल के ठिकने से आदमी के साथ वहां पहुंचा। वो उसे केबिन में छोड़कर वहां से चला गया। सुनील ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी ओर देखा। तो दोस्तों, ये था पिशाच का प्रतिशोध नॉवल का पहला पार्ट। ये नॉवल आपको कैसा लग रहा है, प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।